मुनिराज को एक वीतराग भाव है असली में तो वे कोई जीवों की दया बुद्धि लगा लगा के पालते हैं, बहुत उपयोग लगा लगा के पालते हैं, ऐसा नहीं है। उनको सहज ही ऐसी भाव दशा रहती है कि किसी जीव को उनके निमित्त से कष्ट ना हो जाए, ऐसा भाव दशा रहती है। वे कोई जीवों को बहुत देख के सारा उपयोग वहाँ लगा के रखते हैं, ऐसा नहीं, और उससे किंचित मात्र भी उस क्रिया का अहंकार नहीं करते। ख्याल में, उससे कोई प्रयोजन नहीं है उनको, अन्य जीवों से वैसे ही कोई प्रयोजन नहीं है। अंदर से तो 100% निर्णय है कि मैं किसी जीव को ना बचा सकता हूँ ना मार सकता हूँ, और अगर मैं बचा सकता हूँ ये मान्यता हो तो वो मुनि मिथ्या दृष्टि है, उसी समय मिथ्या दृष्टि है। ख्याल में है ना, तो इसलिए मुनिराज को प्रमाद नहीं होता। असली बात क्या है, प्रमाद नहीं होता। स्वरूप के प्रति इतनी सावधानी है, जैसे अपन अंदर में सावधान हो तो बाहर तो अपने आप सावधान होते ही होते हैं। ख्याल में है ना, और अगर अपन अंदर में सावधान नहीं हो तो फिर बाहर में भी सावधान नहीं होते। अगर अभी अपन के अंदर भेद ज्ञान चल रहा हो तो अपन के उठने बैठने के तरीके अपने आप बदल जाते हैं, बदलने पड़ते हैं। क्या कभी भी देख लेना, ये प्रैक्टिकल करके देखना, जब आप भाव दशा में रहोगे, जब आपको अंदर आत्मा का आनंद चल रहा होगा, जब आपको वेद ज्ञान की जागृति होगी, तब आप ऐसा अनुभव करोगे कि आपकी क्रियाओं में अपने आप परिवर्तन आ रहा है, वो आपको करना नहीं पड़ रहा है। चाहे भले ही वो 2 घंटे के लिए आए, 1 दिन के लिए आए, लेकिन आप परिवर्तन अनुभव करोगे। कैसे करोगे, आप जब भोजन करोगे और आज आपका वेद ज्ञान ऊर्ध है, तो आप देखोगे कि आप भोजन अति आसक्ति से नहीं करोगे, बहुत धैर्य पूर्वक खाओगे, जल्दी जल्दी नहीं खाओगे। समझ में आया, आप देखोगे कि आज, जबकि वो आपने कुछ किया नहीं है, लेकिन अंदर जब वेद ज्ञान ऊर्ध है तो आपकी शारीरिक चेष्टाओं में अंतर आए बिना, फिर आप उठोगे, बैठोगे, चलोगे, बात करोगे, तो आपके बात करने में हितमित प्रिय वचन निकलेंगे। हाँ, अंदर दृष्टि हो, देखो, इसलिए अपन को, इसलिए लोग कहते क्रिया पाले बिना कैसे क्रिया हो जाएगी, ऐसे बहुत तर्क देते ना। मेरे पास इसका सीधा सा रिजल्ट है, उत्तर है, तो मैं एक दिन वेद ज्ञान की कला के साथ जी के देखो, तो मैं उसी दिन समझ में आ जाएगा कि क्रिया करनी नहीं पड़ती, क्रिया होती है। और जे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को क्रिया करनी पड़ती है, उसके होती नहीं है, इसलिए वो कहता है कि करे बिना कैसे हो जाएगी, उसकी तो बेचारे की कोई गलती है नहीं, क्योंकि वो तो भैया पूरी ताकत लगा रहा उपवास करने में, दिन भर रोटी की याद आ रही, उसने रोटी खाई नहीं, कल का इंतजार करता रहा, और तुम कह रहे हो उपवास किया नहीं जाता, हो जाता है। वो कहेगा अच्छे पागल आदमी, खुद तो 2 बार खा के बैठ गए, और हमसे कह रहे कि किया नहीं जाता, हो जाता है, करके दिखा कल, उसकी गलती नहीं बेचारे की, क्योंकि उसकी शक्ति बाहर है, उसे आत्मा की खबर है नहीं, करता बुद्धि पूरी है, तो उसको तो भाई ऐसे ही लगेगा कि भाई करने से होता है, बिना करे कैसे होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो अज्ञानी भी गलत नहीं बोल रहा और ज्ञानी भी गलत नहीं बोल रहा, अज्ञानी का अपना अनुभव है और ज्ञानी का अपना अनुभव, दोनों के अनुभव अपनी जगह बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। अब प्रश्न ये है कि दोनों के अनुभव एक्यूरेट हैं, लेकिन आनंद कौन सी दशा में है, नहीं समझ में, ये तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा।